प्लांट में जो ये बन रहा है प्लांट, बालू का उठाव नहीं होने के कारण बंद है, तो कैसे इसको आगे अगर प्लांट बढ़ेगा या कैसे इसका काम हो पाएगा? देखिए, प्लांट तो बनना ही चाहिए, ये तो देश हित में है। बिजली की ऐसे भी बहुत समस्या है, तो जितने ज्यादा प्लांट बने बिजली का उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक दूसरा पहलू जो इस चीज में आता है वो ये है कि कोई भी वैधिक काम, जो भी अच्छा काम हो रहा है, वह किसी इलीगल तरीके से ना हो जाए। तो बालू का उठाव होना यहाँ पर कुछ अनुचित तरीके से किया जा रहा था, कुछ इलीगल तरीके से हो रहा था, बिना नीलामी के या बिना लाइसेंस लिए जो ठेकेदार भी बालू का उठा कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। BTPS उनसे, उन लोगों से ये बालू ले रहे थे, तो उन लोगों का उठाव चूंकि बंद करवा दिया गया, पार्क मंत्री के आदेश पर हम लोगों ने कुछ रेट भी किए थे तो बंद करा दिया गया, तो ये वाजिब सी बात है कि वहाँ पर इसकी सप्लाई बंद हो गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो गया, ये तो सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। ये तो जिस दिन बालू घाटों की नीलामी होती है, जो कि होनी चाहिए थी 1 तारीख को, जो नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये परमानेंटली बंद हो गया है। वो आगामी महीने या हो सकता है 15-20 दिन में वो नीलामी हो ही जाएगी, लोगों को लाइसेंस मिल ही जाएगा और लोग नियम से बालू का उठाव करके जहाँ भी सप्लाई करना है करें, करा ही दे सकते हैं। उनके लगभग सर 300 वर्कर जो है अभी बैठ गए काम के बिना। अच्छा, तो उनके सामने तो भुखमरी की स्थिति आ गई है, तो उस पर क्या हो सकता है? अब देखिए, वह एक अलग प्रश्न हो गया है। आपने इस पर पूछा है कि भाई गलत तरीके से बालू उठाव हो रहा है, प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसमें तो मेरा उत्तर यही रहेगा कि कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए। तो जैसे ही नीलामी होती है, जिस पर सरकार लेवल पर भी बात चल रही है, सरकार लेवल द्वारा ही इस नीलामी को बंद किया गया था, तो सरकार को भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, जिला प्रशासन को जानकारी है, तो कुछ दिन इंतजार कर लें। जैसे ही बालू घाटों की नीलामी होती है, लोगों को लाइसेंस मिलता है, अपना उठाव करेंगे, सब स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ दिनों की देरी हो सकती है, थोड़ा सा अगर लोग कॉपरेट करें तो नियम संगत काम हो, नियम संगत काम है।